हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल ने जी। सो उम्मीद करता सर ठीक ठाक होवोंगे। तो जो पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर की भर्ती है जी, ठीक है जी, वो आउट हो चुकी है। सो इस की क्राइटेरिया रहेगा, कि इस बदलाव होया, सो सारा अपन नोटिफिकेशन के जरिए देखांगे, ठीक है। की सिलेबस पैटर्न रहिंदा है, सो किन्ने पेपर होणगे, किन्नी नैगेटिव मार्किंग होएगी, सारा इस देखने वाले फिजिकल वगैरह की, ठीक है। सो वीडियो एंड तक जरूर बने रहो। तो चलते हैं नोटिफिकेशन के देखते हैं अपना सारी जानकारी। तो हाँ जी राजे, आप पहुँचोंगे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के उपर, जिस सो डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड आर्मड कैडर की इस पोस्टा ने सब इंस्पैक्टर के, ठीक है। दो पोस्ट ने इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस की रहेंगी, तो आर्मड की है, तो दो पोस्टा ने। तो अलग अलग पोस्टा होगी कैटेगरी वाइज, वो आप देखा नीचे। सब तो पहले आप गल कर लेने जी, जो एप्लीकेशन फॉर्म ने वो कद तो स्टार्ट होणगे, ओपनिंग डेट है इन्हों की, वो 7 फरवरी तो दिती गई है। 7 फरवरी तो इन्हों की एप्लीकेशन फॉर्म ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन्होंने भरने वास्ते लास्ट डेट रहेगी 28 फरवरी, ठीक है जी। तो 28 फरवरी तक तुम अपना फॉर्म है जो वो सबमिट कर सकते हो, इस तो पहला पहला सबमिट कर देने ने, ठीक है जी। तो नैक्सट गल राजे करते अपना, सो इस जो पोस्ट दिखाई ने, तो देखो पोस्ट ने राजे, इस दो कैटेगरी पोस्टा वंडिया ने, एक तो डिस्ट्रिक्ट कैडर के, एक आर्मड कैडर के, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज तुम सारी पोस्टा अपनी चेक कर लेनी, कि पोस्ट ने कैटेगरी वाइज। तो नीचे आप टोटल पोस्टा देखते हैं, देखो जो कि मुंडे की पोस्टा दी 144, तो लड़कियों की पोस्ट ने 48, ठीक है जी। ये डिस्ट्रिक्ट कैडर के ने, तो नीचे देखो राजे, यह है आर्मड पुलिस कैडर के, आज देख सकते हो आर्मड पुलिस कैडर के ने। स्पोर्ट्स परसन इस भी इनकलूड ने, याद रखियो, ठीक है। इस भी कैटेगरी वाइज पोस्टा मंडिया ने, सो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज, सो मुंडे तो कुड़ियाँ अपनी पोस्टा चेक कर लियो कैटेगरी वाइज। तो नीचे टोटल पोस्टा आप देख लें, देखो मुंडे वास्ते इस भी 144 पोस्टा ने, तो लड़कियों वास्ते 49 पोस्टा, ठीक है जी। सो तुम्हें पता लगा होना पोस्टा बारे तो राजे। सो नीचे आप गल करेंगे हम क्वालिफिकेशन वगैरह की, एज वगैरह के क्राइटेरिया की रखे, इस रखा गया है। पे स्केल बहुत सारे बच्चों डाउट रहता है, तो पे स्केल इस है राजे, सब इंस्पैक्टर की देखो 35,400 तो स्टार्ट होएगी इस, ठीक है जी। तो एज राजे देखो इस भी, एज इस भी रखे राजे, 18 साल तो लैके 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। सो एज इस भी वाधा नहीं होया, मतलब कॉन्सटेबल की तरह इस भी 18 साल तो लैके 28 साल तक के कैंडिडेट ने जनरल वाले, वो अप्लाई कर सकेंगे। बाकी जी कैटेगरी ने राजे, SC ST, ठीक है जी, उन्होंने BC छोड़ दी जाऊगी। सो SC ST 5 साल की, तो OBC 3 साल की, वो अपनी एज अकाउंट कर लियो, यानी कि SC ST वाले 33 साल तक के, तो OBC वाले 31 साल तक के अप्लाई कर सकेंगे इस पोस्ट वास्ते, ठीक है जी। नैक्सट आप क्वालिफिकेशन की गल करते हैं, तो क्वालिफिकेशन इस पहले ही तरह, सो ग्रैजुएट कोई भी कैंडिडेट किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी तो पास की हुई तुमने, ठीक है जी, तो अप्लाई कर सकोगे इस वास्ते, कोई दो राय नहीं मंगी गई, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कैडर वास्ते, तो नाल ही आर्मड कैडर वास्ते भी उही है, ग्रैजुएट ही रखी गई है सिंपल, ठीक है। किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी पास की हुई तो दोनों वास्ते ही ग्रैजुएट है, तो नोट कर लियो, ठीक है जी। मिलिट्री क्वालिफिकेशन उही है राजे, पंजाबी अपनी 10वीं के पास कराया होना जरूरी है 10वीं के, ठीक है। फिजिकल की आप गल कर लें, फिजिकल इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो मेल वास्ते जो हाइट रखी गई है 5 फुट 7 इंच, तो लड़कियों वास्ते जी फीमेल वास्ते 5 फुट 2 इंच, तो आर्मड कैडर वास्ते 5 फुट 7 इंच सेम ही है, ठीक है जी। जिम्मे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज का उमी आर्मड के सेम है बिल्कुल। सिलेक्शन प्रोसैस राजे इस भी देखो, जिम्मे 2021 होया से उही अपने पेपर चाहे पुराने उठा लियो, उमी अटैम्प्ट कर लियो भी किमें किमें पूछे गया, क्योंकि पेपर है जो TCS लाएगी, तो तुम्हें पता ही है पेपर कितना भैड़ा पाँदी है, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसैस इसका भी 3 स्टेज के रहेगा जी, ठीक है। 2 इस पेपर होने, पहला नहीं तरह 2 पेपर ले जाएंगे, ठीक है। एक तीजा अपना क्वालीफाइंग पेपर पंजाबी वाला होगा, तो सिक्योरिटी होएगी, ठीक है, वो अपना नीचे देखते हैं। देखो सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट राजे, देखो सब तो पहला अपना पेपर 1 होगा, जिस 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी, ठीक है। एक जो क्वेश्चन अपने 4 मार्क्स रहेगा, उ मैं तुम्हें दसिया 2021 वाला, ठीक है। पेपर 2 होएगा, उस अपना जो अलग अलग सब्जेक्ट मंडे होंगे तुम दसा नीचे, आप इस भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स रहेगा। पेपर जो 3 है, ठीक है, इस क्वालीफाइंग रहेगा अपना पंजाबी भाषा वाला, जिस 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ 1 मार्क का रहेगा, 50% मार्क लेने ने, यानी कि 50 दे 25 नंबर लेने जरूरी ने, वो सबन पता ही लग गया हूँ तक का, ठीक है जी। तो देखो आ रहा जी इसका सिलेबस, ठीक है। जो पेपर 1 होगा इस पेपर 1 के रहेगा यार जी जनरल अवेयरनैस, ठीक है जी। जनरल अवेयरनैस तुम देख लो की सारा कुछ पूछा जाएगा, इस 50 नंबर की रहेगी। सो पहला इंतरी राजे देखो, ठीक है जी, मैथ रहेगा राजे 30 नंबर का इस फिर इस पेपर 1 के। सो पंजाबी अपना जी लैंग्वेज है, जो अपना ग्रामर है, ठीक है, वो ग्रामर का होगा 20 नंबर की, तो 100 नंबर का हो गया। देखो जी इस वास्ते टाइम दिता जो पेपर वास्ते, तो पेपर 1 वास्ते 2 घंटे का, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 100 तो मैक्सीम मार्क 400, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है। तो किन्ने नंबर का हो गए, 100 क्वेश्चन 400 नंबर के, ठीक है जी, याद रखियो। तो
उस तो बाद राजे देखो अपना होगा पेपर टू, ठीक है जी। पेपर टू के सेम ही है, तो इस दे की है टाइम तुम्हें 2 घंटे दिता जाऊगा, टोटल क्वेश्चन 100 ही आवेंगे इस भी, तो कि देखो पूछे जाएंगे सैक्शन ए जो पूछे जाएगा राजे 50 क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे इस सैकंड राजे सैक्शन टू के जो कि कंप्यूटर पूछा जाएगा थोड़े को, कंप्यूटर 3 नंबर का पूछा जाऊगा, फिर इंग्लिश आ गई राजे वो इंग्लिश पूछी जाऊगी 20 नंबर की, ठीक है। ये 2 पेपर हो गए अपने 2021 वाग ही ऑनलाइन होंगे, ठीक है जी। TCS कंपनी लेगी ये तुम देख लो तुम, ठीक है जी। तो 400-400 नंबर 800 नंबर का कुल पेपर हो गया अपना, तो इस भी मैरिट बनूगी जो अपने ये 2 मेन पेपर ने 2। उस तो बाद तीजा पेपर होगा राजे अपना पंजाबी भाषा वाला लैंगुएज वाला जो कि क्वालीफाइंग नेचर का, ठीक है। मैंडेटरी सब ही इस क्वालीफाई करोगे तो इस ही मैरिट बनूगी थोड़ी, ठीक है। मैक्सीम मार्क 50 नंबर के, तो क्वेश्चन भी 50 नंबर के, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो याद रख लियो 50 नंबर के होके। नीचे आप गल करते हैं नैगेटिव मार्किंग की, देखो सो देखो इस नैगेटिव मार्किंग जी रखी गई है, जेकर थोड़े कोई इनकोरैक्ट आंसर आता है तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के 25% यानी कि 1.4 मार्क्स थोड़े इसमें कट जाएंगे। देखो तो 1 मार्क्स आदि दिता हुआ 1 मार्क्स दिता हुआ, ठीक है जी। ये तुम नोट कर लियो पेपर 1 तो पेपर 2 के, लेकिन जो लाजमी पंजाबी वाला अपना पंजाबी भाषा वाला राजे 50 नंबर वाला उस दे विच नहीं है नैगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये नोट कर लियो, ये नीचे लिखा देखो देयर शैल बी नो नैगेटिव मार्किंग पेपर 3 जिहड़ा अपना तीजा पेपर होगा पंजाबी भाषा वाला लैंगुएज वाला ग्रामर वाला उस दे विच नहीं है, ठीक है। हुण सिलेबस सारा पुछणगे, सिलेबस सेम ही राजे जिहड़ा दिता है उन्होंने सारा कुछ सेम ही रहेगा, जिहड़ा अपने पहला पोस्टां वच रहे वही सेम ही इस दे विच भी, तो इस दे विच भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अलग अलग शिफ्टां वाइज पेपर होगा, तो यह फार्मूला ऐसा दिता है किस तरह नॉर्मलाइजेशन जिहड़ा होगा पेपर। ये तो है राजे फिजिकल बार जानकारी, जिवें कि पहले आप फिजिकल देंदे आ रहे हैं बिल्कुल सेम द सेम उमी है। 1600 मीटर रेस है जी 7 मिनट के, ठीक है। एक चांस मिलेगा लोंग जंप रहेगा हाई जंप रहेगा, ठीक है जी। 3-3 चांस इन वास्ते मिलने के, तो यह आप हूँ तक फिजिकल देंदी आ रहे हैं, सब अपन नोट ही है, ठीक है। इस तरह सो एक्स सर्विसमैन वास्ते रखा गया मेल वास्ते, ठीक है जी। अगे ये फीमेल्स वास्ते दिता गया, तुम भी देख लियो 800 मीटर रेस है जी 5 मिनटों के लोंग जंप, ठीक है, हाई जंप इन वास्ते भी रखे गए हैं, ये भी तुम देख लियो हूँ। सो वीडियो पॉज करके जब नोटिफिकेशन जरिए तुम पढ़ लियो, ठीक है जी। लो जी ये आके तो इतों तन तन हो जाती है फीस की, ठीक है। जिते कॉन्सटेबल देखी तो अपने 1100 रुपया, उत्थे हूँ सब इंस्पैक्टर के होगी राजी जरनल की किनी हो गई 1600 रुपया, ठीक है। तो देखो 1600 तो 1100 हूँ जोड़ लो आप जरनल वाले किन्ने हो गए जी, सो 2500 तो टप गया, तो हूँ अपना थोड़ी जेब अपनी ठंडी होने वाली है, तो तुम देख लियो सरकार चाहिए राजे कि पहले ही बेरोजगार है तो 2-2 पोस्टा कमें अपलाई कर दूगा वो भी जनरल बच्चा, ठीक है। अगर तुम देख लो होर बहुत सारी कैटेगरी वास्ते सारा वास्ते पोस्ट, सो जी फीस है बहुत ज़्यादा है। एक्स सर्विसमैन वास्ते 750 रुपये, SC ST बैकवर्ड क्लास BC वास्ते जो फीस है 950-950 रुपये, EWS कैटेगरी वास्ते जो है सो उन्होंने वास्ते 950 रुपये, ठीक है जी। सो चलो कोई गल नहीं, फॉर्म अप्लाई कर दियो जरूर, ठीक है। सो तैयारी करते रहो राजे, सो अपना सिलेक्शन लेना इस बार अपने, सो वधिया चांस मिले अपन। सो जिहड़े पिछले वारी 1-2 नंबर तो रह गए सी, तां अपनी कोशिश करनी वध तो वध कि इस विच आप सिलेक्शन लै सकीए, ठीक है। ते वध तो वध सो वीडियो दोस्तों ने शेयर करियो जिन्हें भी स्टडीज़ ग्रुप होणगे, ते चैनल नाल पहली बार जुड़े हो तो चैनल सबसक्राइब कर लियो, नाल वाली बैल आइकन प्रेस कर लियो तां जो तुहानूं होर नवीं वीडियो दी अपडेट जो समय समय से अपन मिलती रहे। बाकी आपां रैगूलर तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे चैनल के उपर, ठीक है जी। बने रहो चैनल के उपर, सो मिलते हैं नैक्सट टाइम नैक्सट वीडियो, तद लई ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।